ए हा उमा कहूं मैं अनुभव अब सत हरि भजन जगत सब सब ए हा स्वामी श्री तुलसीदास जी कहते भैया उमा कहूं मैं अनुभव अपना क्या अनुभव शंकर जी का सत्य हरि भजन जगत सब सपना सत्य क्या है भगवान का भजन ही सार है बाकी सब बेकार है भगवान का भजन सत्य है तुम माया माया मतलब केवल पर्दा कब तक का जब तक मरे नहीं और मर गए तो ना बहन बढ़ाना भैया ना भैया जेब का रुपया ना बाप ना मैया ना लाला ना छैया सबसे बड़े हैं इस जिंदगी में रघुरैया कौन है केवल और केवल राम जी ही बड़े हैं दूसरी बात सारा संसार भ्रम है भ्रम मतलब अभी जून का महीना है कौन सा महीना चल रहा जून है ना है? मई अब आएगा आगे लगी हमें अंग्रेजी बहुत 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 हाई लेवल की आती है बहुत ऊंचे लेवल की जून का महीना आएगा अगले महीने जून के महीने में जो कार चलाने वाले ड्राइवर हैं वो एक बात गौर करेंगे हम लोग जब कार चलाते हैं रोड पर तो ज्यादा दूरी पर देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी भरा बहुत दूरी पर लेकिन जब नजदीक जाते हैं तब वहां कुछ नहीं मिलता बोले क्या बोले ये भ्रम है सूर्य की रश्मियां जब रोड पर टकराती हैं तो भ्रम हो जाता है कि वहां जल भरा है पर हकीकत में होता कुछ नहीं उसी प्रकार ये सारा संसार हमें दिखाई जरूर पड़ता कि ये अपना है बल्कि सत्य तो यह है यह सब सपना है केवल राम जी अपना है, है? केवल राम अपने माया माया का मतलब हम लोगों ने कांटा लगा लिया सुख और दुख का कामना की निवृत्ति को सुख कहते हैं और कामना के कांटा को दुख कहते हैं ऐसे समझो हम आपको ये चैप्टर पूरा समझा दें फिर आगे बढ़ेंगे जैसे कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो उसकी कामना क्या है हे बजरंगबली हमारा खुद का मकान बन जावे अब जब तक मकान नहीं बन जाएगा तब तक वो बजरंगबली को परेशान करेगा और खुद भी परेशान रहेगा अब जब मकान बन गया बड़ा प्रसन्न हुआ गृह प्रवेश में जय हो हनुमान जी बड़ी कृपा कर दी मकान बन गया लोगों को दिखाएगा देखो देखो अपना मकान है खून पसीना की कमाई है तो जो कामना का कांटा लगा था वो निकल गया और गृह प्रवेश होते ही हृदय में बड़ी प्रसन्नता आ जाती है हाँ जी अना जी बोलो मन में प्रसन्नता आती है पर व्यक्ति दो चार दिन तो कभी किचन में जाकर खड़े होता है कभी छत पर ब्रश जाकर के करता है छत के ऊपर चाय पीता है नजारा देखता क्या नजारा है आहा हा आज मैं ऊपर आसमान नीचे है बड़ा नजारा लेता है बढ़िया चाय की चुस्की लेता है अब जो कामना का कांटा था वो निकल गया तो अब प्रसन्न है लेकिन तब तक आ गई गर्मी तो जो कामना का मकान का कांटा था वो तो निकल गया इसलिए खुश भी हो गया सुखी भी हो गया लेकिन तब तक दूसरा कांटा लग गया बोले काहे का बोले अब गर्मी आ गई एसी नहीं आ अब एसी हो तो आहा क्या नींद आएगी क्या कहना जिस दिन एसी लगी 16 नंबर में लेट हो रहा हो रात भर 18 पे करें एसी ठंड चाय लग रही लेकिन सो रहा हूं 18 में एसी है दिन भर बटन चटर पटर एसी दो तीन दिन आनंद लिया तो जो कामना का कांटा था वो लगा था वो निकल गया दो तीन प्रसन्नता के गुजर गए फिर कामना का कांटा लगा लिया पड़ोसी बाजार जाता है कैसे
मोटरसाइकिल से, हम टैक्सी से जाते, काश हमारे पास मोटरसाइकिल हो। फिर कांटा लगा लिया, भगवान ने कृपा कर दी, मोटरसाइकिल लिप गई। अब तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, जय बजरंग बली, मोटरसाइकिल हो गई, 60,000 की अपड़ी मारा। तुरंत ससुराल लेकर के चला गया, टी टी ससुराल गया, वहां पर साले साहब को देखा, देखो 60,000 की आई, छू ना लइयो, ए ए लड़का टूट जाए शीशा, दूर लेना दूर लेना। 8-10 बार पोंछा लगा रहा। अब 2-4 दिन बड़ी प्रसन्नता, क्यों? कामना का कांटा था निकल गया। अब नया कामना का कांटा लग गया, सो फिर दुखी, बोले मोटरसाइकिल तो है लेकिन बरसात का मौसम आ गया, बरसात के मौसम में अगर कार हो गए मजा आ जाए। चलो भाई कार ले लो, तुम्हारे पास 4 पहिया कार आ गई, अब कोई दिक्कत? अरे बोले कार आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो यही है कार तो बहुत अच्छी है लेकिन डीजल महंगा है, अब तो बिजनेस हो जाए, व्यापार। चलो भाई व्यापार हो गया, अब प्रसन्न हो? हाँ अब प्रसन्न तो है लेकिन हमारा व्यापार अगर पूरे भारत देश में अगर फैल जाए तो क्या कहना। चलो भाई पूरे भारत देश में तुम्हारा व्यापार फैल गया, अब तो प्रसन्न हो? हाँ प्रसन्न है लेकिन थोड़ा अमेरिका में भी अगर हमारा बिजनेस डल जाए। चलो भाई ठीक है अमेरिका में डल गया, अब तो खुश हो, अब प्रसन्न हो? अरे अब क्या बताएं, कल तो हमारा दिमाग खराब हो गया, क्यों? मीटिंग जा रहे थे, लाल बत्ती में 1.5 घंटे टिके रहे, काश आज हमारे हेलीकॉप्टर होता, उड़ के चले जाते। देखो किराए के मकान में रहता था, हेलीकॉप्टर के सपने देखने लगे। चलो भाई हेलीकॉप्टर हो गया, अब तो प्रसन्न हो? अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो कोई टेंशन नहीं लेकिन हो सके तो अमेरिका में एक मकान ना अपनो हो जाए। चलो ठटरी के बरे, मान लो वहां भी मकान बन गया, अब प्रसन्न हो? हाँ प्रसन्न तो है लेकिन चांद पर 1 25x40 का प्लाट ना हो जाए। जय हो। अच्छा चलो छोड़ो, वहां भी तुम्हारा प्लाट हो गया, अब तो प्रसन्न हो? अब तो नहीं कुछ चाहिए? नहीं चाहिए तो नहीं लेकिन कल के दिन अगर मंगल के ऊपर बनने लगा मकान, मतलब आदमी कामना में धीरे धीरे मर जाएगा पर कामना नहीं छोड़ेगा, इसी को संतों ने कहा, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसके अंदर चाह नहीं वही सहनसाह, यही है माया। जो अपने में फंसाए रहती ये है माया, और जो इस माया से मुक्त कर दे और आनंद दिला दे उन्हीं का नाम है मायापति माधव। अच्छा महाराज तो जीते जी तो माया छोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो क्या मरने के बाद छोड़ोगे? जीते जी ही छोड़ना है, फिर गुरु जी फिर करें क्या, घर वाले हमको घर से निकाल नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, घर से निकलना नहीं है, तुम जो कर रहे उसी में रहो लेकिन संसार की माया में आसक्ति मत रखो, आसक्ति रखना है तो परमात्मा के चरणों में रखो।